मस्जिद में मुतकफिन को हर साल तरगीब दी जाती है कि अपने जेब में एक शाप पर छोटी सी प्लास्टिक की थैली रखा करें, वो कचरा वगैरह जो भी है वो उठाकर उसमें डाल लिया करें, जेब में रखे, बाल झड़ जाते हैं, अपने बाल निकल आए, किसी के बालों का गुच्छा गश्त कर रहा है उसको पकड़ लिया, इसी तरह कोई और किसी ने कचरा डाल दिया तो वो उठा लिया, ये सब छापर में जमा करते रहे। बाबा ये हाजी अमीन बता रहे हैं, आपकी इंशाल्लाह दिल जो भी होगी आपको खुशी भी मिलेगी। इनको साउथ कोरिया में एक इस्लामी भाई मिले हाजी अमीन को, इन्होंने दारिश शरीफ चेहरे पर सजाई हुई थी। बताते हैं कि मैंने अमीर सुन्नत की इस तरह मस्जिद से कचरा उठाकर थैली में डालने की आदत देखकर मैं मुतासिर हुआ और मैंने चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी सजा ली। थैली की मदनी बार देखो ये दीवाने ने चापर दिखाई, ये सारा साल शायद रखते होंगे माशाल्लाह। अमीर सुन्नत जो मदनी पुल अता फरमा रहे हैं, ये दुनिया भर के जितने भी इस्लामी भाई स्पेशली अगर मसाजिद के इमाम अगर सुन रहे हैं, मस्जिद की कमेटी वाले सुन रहे हैं या जिनकी चलती है वो अगर सुन रहे हैं, अगर वो इस तरह की तरकीबात का सिलसिला जारी रखें तो मसाजिद के कोनों में इतने बाल और इतना कचरा पड़ा हुआ होता है, ये देखें सफाई सुथराई का निज़ाम मैं समझता हूँ मस्जिद का बेहतर हो जाएगा। नहीं अगर इमाम साहब झाड़ू पकड़ लेना आए मदीना मदीना हो जाए सच्ची, तो इमाम साहिबान रखा करेंगे ना तो मुक्तदियों को तरगीब होगी इंशाल्लाह। खादिम से ले ले कि आज तो मैं झाड़ू निकालूंगा, अब शर्माना किस बात का, मेरे आका ने खजूर की शाख से मस्जिद में गर्दो गुबार निकाला है, ये दोनों इमाम साहिबान ने हाथ उठा लिए, वाह शर्माने की जरूरत नहीं, हदीस शरीफ याद कर ले, कोई अगर छेड़े ना इमाम साहब का इसमें वकार खराब होता है, तो इमामुल अंबिया की पैरवी कर रहा हूं मैं इनसे साबित है, अब मस्जिद के झाड़ू निकाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो मस्जिद नबी में जो झाड़ू पकड़ के निकालते ना वो रात को वो तरकीब होती है इनकी, तो सोर्स लगा कर एक बार वो इनसे झाड़ू लेकर कुछ देर तक मैंने भी ये सआदत हासिल की थी। इसी तरह वो सरकार मुफ्ती आजम का शेर, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी मदीने की गलियां बुहारा करूं, अल्लाह वो दिन खैर से लाए कि मैं मदीने की गलियों में झाड़ू लगाऊं, सरकार मुफ्ती आजम जैसा वली कामिल ये आरजू बयान कर रहा है।